हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज रमनदीप सिंह सो स्टूडेंट्स आई बी एस आर बी बी ओ स्केल टू स्केल थ्री के लिए टुडे वी आर गोइंग टू डू एन इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज बीटा सो वील अंडरस्टैंड वट इज़ बीटा वील डू सम नोम एज वेल सम एम सी क्यू राइट वी आर गोइंट टू डू सिक्स आई गेस नोमेकल सिक्स क्वेश्चन वी आर गोइंट टू डू वी आर गंडरस्टैंड वट इज सिस्टमटिक रेस वट इज अनसिस्टमैटिक रेस सारा कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए So before starting, let me tell you IBPS RRB GBO Scale 2 Scale 3 course is available on bankexamstudy.com The link to full course is available in the description. Please check. So let me just hide myself so that you can concentrate on the contents. First of all, students, what is beta? What is beta? Uh, you need to understand this. Beta is a measure of uh, volatility. Uh, let me give you an example. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस है मान लीजिए ठीक है ऐसे 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 मूव कर रहा है ये ठीक है एंड दिस वन इज़ ट्राइडेंट का ट्राइडेंट कंपनी है इसका ये स्टॉक प्राइस है सो so, एक ले मैन की लैंग्वेज में वी कैन से कि इसका बीटा कम है ट्राइडेंट से ठीक है uh, बीटा इज द मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ज़्यादा मूवमेंट मीन ज़्यादा बीटा कम मूवमेंट मतलब कम बीटा ठीक है हाउ बीटा इज कैलकुलेटेड बीटा इज अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी और सिस्टमैटिक रिस्क वॉट इज सिस्टमैटिक रिस्क वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ अ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो कंपेयर टू मार्केट एज अ होल ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ट्राइडेंट का हम रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं सो वी आर बेसिकली कंपेयरिंग वी आर कंपेयरिंग द वॉलेटिलिटी वी आर कंपेयरिंग द वॉलेटिलिटी और वट यू से डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन वॉलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सिक्योरिटीज सिक्योरिटी क्या हो सकती है फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्राइडेंट और एनी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो यहाँ पे हो सकता है लेट्स एनी म्यूचुअल फंड फॉर एग्जाम्पल एक्सेस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड कंपेयरिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो कोई भी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ यू नो सिक्योरिटीज एंड कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं विद एन इंडेक्स और मार्केट मार्केट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं यू आर कंपेयरिंग विद एन विद द होल मार्केट सो अ गुड एग्जाम्पल वुड बी इन इंडिया निफ्टी फिफ्टी इज देयर निफ्टी फाइव हंड्रेड इज ऑल्सो देर निफ्टी एस एन बी फाइव हंड्रेड इज ऑल्सो देर so basically let's say you are comparing reliance industries with uh, nifty 500 nifty s&p 500 so let's say reliance industries ka beta nickel ke hai 1.2 or trident ka nickel ke 1.4 what is the interpretation we'll understand in the next slide so this is the interpretation so let's say uh, the beta of a stock of a share is equal to 1 दैट मीन्स द शेयर्स आर जस्ट एज रिस्की एज मार्केट सो इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का बीटा आता है वन दैट मीन्स ये उतना ही रिस्की है जितना की निफ्टी रिस्की है जितनी निफ्टी रिस्की है उतना ही रिस्की है ये इफ़ द बीटा इज़ मोर देन वन लेट से द इफ द बीटा इज़ वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर सो वन सो दैट मीन्स इट्स मोर रिस्की देन मार्केट वन से जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिस्की वन पॉइंट टू है एक का एक का वन पॉइंट थ्री है वन पॉइंट थ्री इज मोर रिस्की

गोल्ड और मार्केट की भी रिलेशनशिप है इंडेक्स का रिलेशनशिप ऑलवेज है थोड़ा बहुत ठीक है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डेफिनेशन ऑफ बीटा ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए द इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद करना इंपॉर्टेंट है वॉट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड वॉट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो सिस्टमैटिक रिस्क इज इनहेरेंट टू द इंटायर मार्केट लेट्स ए ड्यू टू कोविड कोविड आ गया था उसकी वजह से All the stocks were declining by 20 30 40 percent. So that was a systematic risk. That that was market wide risk. You cannot avoid this risk if you are in the market. आप कोई सा भी share खरीद लो कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद लो आपका पोर्टफोलियो गिरना है दैट इज़ अ सिस्टमैटिक रिस्क ठीक है अनसिस्टमैटिक रिस्क में ऐसा नहीं है दैट इज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क लेट से यू बॉट येस बैंक के शेयर्स आपने येस yes बैंक के शेयर्स खरीद लिए थे लेट से इन 2017 में 300 के भाव पे ठीक है राइट नाउ कितना भाव चल रहा है सेवनटीन सिक्सटीन सेवनटीन रुपीज वट हैपन अ स्कैम राणा कपूर ने uh, जो सी ई ओ थे उस टाइम पे ही अ स्कैम सत्यम कंप्यूटर्स में क्या हुआ सो दैट स्कैम हैपन ना नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द कैपिटल इरोडेड नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द कैपिटल जस्ट इरोडेड खत्म हो गया नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द कैपिटल ठीक है तो ये सिचुएशन हो सकती है दैट इज अ कंपनी स्पेसिफिक केस

So often called market risk, systematic risk is a market risk. It you cannot avoid with the help of diversification, but unsystematic risk you can avoid kar sakte ho with the help of diversification. I hope that is clear. Unsystematic risk can be avoided with the help of diversification. It is company specific. Systematic risk is market wide, and it can uh, you know it cannot be. अवॉइडेड ओके okay? ये होगा ही होगा सारी मार्केट अगर कोविड की वजह से गिरी है तो आपके स्टॉक्स भी मोस्ट पब्लिक गिरेगे टाइप ऑफ रिस्क इज अवॉइडिफिकेशन अगेन अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी अवॉयडेड थ्रू प्रॉपर डायवर्सिफिकेशन बिकॉज इट इज अंपनी स्पेसिफिक रिस्क यह कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है ये बैंक yes, का जो रिस्क था वो अवॉइड किया जा सकता था अगर आप बहुत सारे बैंक में इन्वेस्ट करते या पूरी निफ्टी में इन्वेस्ट करते तो यू कूड रिस्क लेकिन अभी अवॉइड नहीं हो पाया। सो अ सिंपल फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट कैलकुलेट द बीटा एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये एक सिंपल फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ स्टॉक एक स्टॉक से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज ई आर आर एफ इज अ रिस्क फ्री रिटर्न विदाउट टेकिंग एनी रिस्क हाउ मच रिटर्न यू कैन गेट फॉर एग्जाम्पल आर बी आई के जो सॉवरिन बॉन्ड्स हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है चार पाँच परसेंट जो भी है चार पाँच साढ़े पाँच इतना ही रहता है सो दैट इज़ अ रिस्क फ्री रिटर्न नो मैटर वॉट अगर आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए बाढ़ आ जाए यू आर गोन्ट दैट मनी फ्रॉम आर बी आई दैट रिटर्न फ्रॉम आर बी आई दैट इज टोटली रिस्क फ्री रिटर्न दैट इज गेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज सेफर देन एफ डी बी इज़ बीटा जो भी अभी तक हमने एक्सप्लेन किया है बीटा द मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी वट इज आर एम आर एम इज अ मार्केट रिटर्न वट इज़ मार्केट रिटर्न इन आर केस एग्जाम्पल ले सकते हो निफ्टी uh, का क्या रिटर्न है राइट या सेंसेक्स का क्या रिटर्न है एस एन पी फाइव हंड्रेड का क्या रिटर्न है सिमिलर इंडसिस कैन बी देयर आर एफ इज अगेन रिस्क फ्री रिटर्न आई होप दीज फोर यू नो फैक्टर्स आर अंडरस्टूड टू यू कुछ ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड तो नहीं है find the beta for a stock abc uh, whose expected return on the stock of the kbc is 13.45% expected return hai. market portfolio ka return 16.2 risk-free return has 7% you need to find out the beta so the simple uh, jo formula hai, i hope that is clear to you simple formula is er expected return is equal to risk-free return plus beta uh, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न सो मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इसको हम मार्केट प्रीमियम भी बोल देते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम भी बोल देते हैं रिस्क प्रीमियम भी बोल देते हैं सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर मनी इन द रिस्क फ्री एसेट्स यू आर पुटिंग योर मनी इन द मार्केट सो देयर शुड बी सम सम रिवॉर्ड फॉर दैट सो दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम ठीक है कई बार ये मार्केट रिस्क और रिस्क फ्री रिटर्न अगर नहीं दिया है तो आपको ये मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया होगा तो आप यहीं पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो ठीक है सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज थर्टीन पॉइंट फोर्टी फाइव ठीक है रिस्क फ्री रिटर्न वी गॉट इज सेवन परसेंट बीटा वी नीड टू फाइंड आउट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न सिक्सटीन पॉइंट टू माइनस रिस्क फ्री रिटर्न आ गया आपका ठीक है सो जस्ट कैलकुलेटेड थर्टीन पॉइंट फोर्टी फाइव माइनस सेवन इज इक्वल टू बीटा आपका आ जाता है सिक्सटीन पॉइंट टू माइनस सेवन इज नाइन पॉइंट टू सो यहाँ पे सिक्स पॉइंट फोर्टी फाइव डिवाइड बाई नाइन पॉइंट टू सो नीयर अबाउट यू विल गेट एन आइडिया ओके नीयर अबाउट यू कैन गेट एन आइडिया दैट इज पॉइंट सेवन के तकरीबन जो है आपका आंसर बनता है दैट इज द अप्रॉक्सीमेटेटेट आंसर सो पॉइंट सेवन इज अ आंसर अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर होना चाहिए सो so, इतनी की कैल्कुलेशन तो यार आपको करनी आनी चाहिए विदाउट कैलकुलेटर्स सो इफ यू आर अनेबल टू डू दैट मच दैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द क्वान्टज वेल तो दैट मच तो यू शुड नो अकॉर्डिंग टू सी ए पी एम वॉट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म विद अ बीटा यहाँ पे अगेन बीटा इज गिवन सो अगेन लेट्स जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर यू बिकॉज आप शायद पहले किया हो आप हो सकता है भूल रहे हो बीटा अगेन मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न ओके दैट इज फॉर यू एक्सपेक्टेड व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हेयर व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हेयर रिस्क फ्री रिटर्न इज सिक्स परसेंट इज द रिस्क फ्री रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज सिक्स परसेंट बीटा इज वन पॉइंट फाइव मार्केट पोर्टफोलियो पे रिटर्न दिया हुआ है फिफ्टीन परसेंट रिस्क फ्री रिटर्न इज सिक्स परसेंट ठीक है सो so एक्सपेक्टेड हमने निकालना है सिक्स प्लस वन पॉइंट फाइव यहां पर आ गया नाइन सो इट्स थर्टीन पॉइंट फाइव प्लस दैट कम्स आउट टू बी नाइनटीन पॉइंट फाइव ए इज द करेक्ट आंसर ओके वेरी इजी द सी ए पी एम मॉडल इज अ मॉडल दैट डिटर्माइंस द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन एसेट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन रिगार्डिंग सी ए पी एम रिस्क फ्री रिटर्न इज द रिटर्न ऑफ एसेट विद नो रिस्क ये बिल्कुल ठीक है कोई इशू नहीं है रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ एन एसेट इज इज एन रिटर्न विद टोटली नो रिस्क जीरो रिस्क मार्केट रिस्क प्रीमियम इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट एंड रिस्क फ्री रिटर्न आई टोल्ड यू जो फार्मूला है दिस इज ये वाला पार्ट दिस इज प्रीमियम आप रिस्क फ्री एसेट में पैसे ना डाल के मार्केट में डाल रहे हैं उसका प्रीमियम है ये मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न तो ये भी ठीक है बीटा ऑफ एन एसेट इज अ मेजर ऑफ इट्स सिस्टमैटिक रिस्क ईच ऑफ दीज ऑप्शन आर इट्स इट्स सेल्फ अ फर्दर क्वेश्चन एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा ऑफ द एसेट टाइम्स द मार्केट रिस्क प्रीमियम सो इवेंचुअली फॉर्मूला ही लिख दिया ये जो फॉर्मूला है इसको इंग्लिश में लिख दिया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा टाइम्स द मार्केट रिस्क प्रीमियम मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या था आर एम माइनस आर एफ तो ये पूरा फॉर्मूला ही यहां पे लिख दिया मे बी ये कुछ गलत लिख देते तो ऑप्शन उसको हम टिक लगा देते सी एम पी एम सी ए पी एम इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर मॉडल इट इज़ अ मल्टी फैक्टर मॉडल यहाँ पे देखिए अलग अलग फैक्टर्स हैं रिस्क फ्री रिटर्न बीटा अलग अलग फैक्टर्स हैं इसमें सो इट इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर मॉडल इट इज़ अ मल्टी फैक्टर मॉडल ओके अ स्टॉक हैज अ बीटा ऑफ वन पॉइंट टू रिस्क फ्री रिटर्न इज फाइव परसेंट पाँच परसेंट है रिस्क फ्री रिटर्न मार्केट प्रीमियम दिया हुआ है वट इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक सो so, आपके पास बीटा है आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ई आर इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न बीटा आ गया so A, 1.2 पॉइंट टू एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम 8% परसेंट सो वन पॉइंट टू टाइम्स 8 ट्वेल्व का टेबल आई होप आपको आता ही होगा सो फोर्टीन पॉइंट सिक्स इज द करेक्ट आंसर कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पे <coughs> देर इज नाइन पॉइंट प्लस फाइव एनी वेज दिस कम्स आउट टू बी फोर्टीन पॉइंट सिक्स ओनली सो दैट इज फोर्टीन पॉइंट सिक्स यहाँ आंसर में गलत लिखा हुआ है बट हमने ठीक ही किया है विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट टेकन इन अकाउंट बाई सी ए पी एम द रिस्क फ्री रिटर्न द रिस्क फ्री रेट मार्केट रिस्क प्रीमियम बीट साइज ऑफ द एसेट कहाँ पे नोट होता है साइज ऑफ़ द एसेट इज टोटली इरेलीवेंट ये जो फॉर्मूला आप करते हो उसमें साइज ऑफ द एसेट कौन देखता है इट्स नॉट कंसिडर्ड राइट वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एवरीथिंग इज कंसिडर्ड बट द साइज ऑफ द एसेट इज़ नो वेयर इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एट ऑल ठीक है ऑल अदर फैक्टर्स आर कंसिडर्ड ऑल अदर फैक्टर्स आर कंसिडर्ड सो स्टूडेंट्स दैट्स आई गैट ऑल फॉर टुडे आई बी पी एस आर बी स्केल टू स्केल थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कॉर्स इज अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम्स डॉट कॉम वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो क्लासेस नोट्स पावर कैप्सूल एंड येस्टरडे वी प्रोवाइडेड सुपर सेट सुपर सेट में क्या है कि देर आर फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन जैसे आज हमने किए हैं अलॉन्ग विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑल द नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द डैशबोर्ड दिस इज आर वाट्सए नंबर वेर यू कैन डाउट्स एंड वी आर गोइंग टू आंसर डाउट्स so that's i guess all for today students thank you and have a nice have a very nice day list of our successful students all these students that took our courses in the past and they cracked the respective exams i'm really really happy for them if there is any doubt in your mind please ask your doubts and we are here to answer your doubts thank you and have a very nice day bye bye